नोटबंदी के फैसले के बाद नकदी की समस्या से जूझ रहे लोगों का सहारा बने माइक्रो एटीएम और पीओएस काउंटरों पर अब साइबर हमले की आशंका जताई जा रही है, यानी कैशलेस भुगतान पर साइबर चोरों की नजर पैनी हो गई है। इसके मद्देनजर देश की शीर्ष साइबर सुरक्षा एजेंसी ने इस बारे में ग्राहकों, बैंकों और व्यापारियों को आगाह किया है। उनसे इन प्रणालियों पर संभावित साइबर हमले को रोकने के लिए उच्च इंस्क्रिप्शन तकनीक अपनाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि CERT इन हैकिंग ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने और भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा को मजबूत करने वाली प्रमुख एजेंसी है। उसने माइक्रो एटीएम और पीओएस प्रणाली को लेकर परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जनता को ट्रांजैक्शन करते वक्त सतर्क रहना होगा। मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड की जगह उपभोक्ता चिप वाले कार्ड का इस्तेमाल करे, उपयोग ना हो तो मशीन लॉग आउट कर दे। माइक्रो एटीएम सॉफ्टवेयर व एंटीवायरस अपडेट रखें। पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हाल में पिछले दिनों एटीएम पर हमलों से कई देश प्रभावित हुए हैं। हैकरों के एक समूह जिसे कोबाल्ट के नाम से जाना जाता है, उसने पिछले माह पूरे यूरोप में गलत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दूर दराज की मशीनों को निशाना बनाया, जिसके बाद भारत के बैंकों को आगाह किया गया है। गत अक्टूबर में कई बैंकों के 32 लाख कार्ड्स का डेटा चोरी होने का मामला सामने आया था। भले ही सरकार भारत को कैशलेस बनाने का सपना दिखा रही हो, लेकिन साइबर अटैक के खतरों को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है, जिससे जनता की परेशानियां और भी बढ़ सकती है। देखते रहिए डीबी लाइव।